गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका यूट्यूब और फेसबुक के हमारे चैनल देसी ट्रैवलर पे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज की डेट है 29 अगस्त, आज के दिन है ओणम। तो मेरे जितने भी केरला से दोस्त लोग हैं उन सबको हैप्पी ओणम और पूरे देशवासियों को ओणम की बहुत बहुत बधाई। का जो व्लॉग है दोस्तों वो खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग फाइनली सुंदरखाल से जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो बस बने रहिए हमारे साथ और चलिए पहले शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। तो दोस्तों ये देख लीजिए सबसे पहले आप, मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, फाइनली आप कह सकते हैं कि मानसून अब यहाँ पर ख़त्म होने की ओर है। और ज़्यादा बारिश हुई इस बार मानसून में, तो दोस्तों मैं लगभग पूरे मानसून पे यहीं था और बहुत बारिशें देखी, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से अब फाइनली शांत हो गया है मौसम, तो लगता है कि मानसून चला गया। तो बेस्ट सीज़न आ गया है आपको पहाड़ों में आने का। तो अगर आप हमारे इस इसमरा होम स्टे से, जितने भी आपने हमारे व्लॉग देखे हैं, और अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं विकी बाबा से या फिर हमसे। और अखरोट के सीज़न के भी आपका इंतज़ार कर रहा है, तो इसमरा स्टे में आप ज़रूर आइए। तो बस बने रहिए आप हमारे साथ, चलते हैं अभी। तो फाइनली दोस्तों हमारी पैकिंग है हो चुकी है, ये पड़े अपने बैग और इधर पड़े हैं सुशील भाई के भी बैग पैक। सुशील भाई भी जा रहे हैं, सुशील भाई हमें ड्रॉप करेंगे, कहाँ वो हम आपको रास्ते में बताएँगे। और अभी बस जाने की तैयारी चल रही है, जल्दी मिलना होगा इसमरा के इन रूम्स में। दोनों रूम रेडी है और बंक बेड भी अब पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं, एक बार दिखाते हैं आपको। हेलो बाबा जी, बाबा जी रेडी हो गए बंक बेड पूरी तरह से? हाँ भाई मस्त हो गए। अच्छा तो ये देख लीजिए, अब बंक बेड भी रेडी है, रूम भी रेडी है, तो पूरी तरह से तैयार है सब कुछ, अब में भी लोगों का स्टे पॉसिबल है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग अभी रवाना हो रहे हैं, जाने का मन तो नहीं है लेकिन जाके आएंगे जल्दी वापस। दीपू भाई ने खोल दिया गेट आराम से बाबा जी, तो बस बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। सुशील भाई और विकी बाबा पीछे आ रहे हैं क्योंकि अब कार नीचे तक आने लग गई है, तो वहीं तक हमें सामान लेके जाना है बस। ये तोले चाहिए? नहीं नहीं अभी नहीं, बस बस छोड़ दो छोड़ दो। हाँ पकड़ा हुआ पकड़ा हुआ है। यहाँ अपना सारा लगेज आ गया है, दीपू भाई भी यहीं है, विकी बाबा और सुशील भाई जा रहे हैं गाड़ी लेने को। यहाँ तक रोड है तो यहाँ तक गाड़ी आ जाएगी। बाबा जी कैसे हो? बाबा जी मस्त एकदम। तो दीपू बाबा लगभग 2 महीने रहे हम यहाँ पर आपके साथ, कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस खट्टी मट्टी, बहुत मस्त बाबा। बहुत मस्त, बहुत शानदार और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है बाबा आप लोगों का, कि आप लोगों को भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो गया कि इस जन्नत में रहने का मौका मिलता है हर बार की तरह। और आप भी आइए इसमरा, अब इसमरा पूरी तरह से रेडी है, सीजन बहुत बढ़िया हो जाएगा ना? बिल्कुल बाबा जी, अभी धूप खिलेगी पूरी अच्छी सामने, हिमालय भी टॉप लेवल, अब तो ये लगा लो कि हिमालय दिखने का सीजन है पूरा ना। बिल्कुल बाबा जी, बहुत बढ़िया। अखरोट भी आ जाएंगे है ना? अखरोट का तो सीजन है अभी स्टार्ट हो गया, चालू हो गया। तो आइए दोस्तों और एंजॉय कीजिए इसमरा की लाइफ को। और तो ये लीजिए दोस्तों गाड़ी अपनी आ चुकी है यहाँ तक, तो अब लगाया जाएगा सामान सब कुछ आराम से। चलो 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 ठीक है, सामान रखते हैं सारा बाबा। मिलते हैं बाबा जी, गुड बाय। बिल्कुल बाबा जी, ठीक है बाबा, मिलते हैं। खाल से सफर शुरू, सफर शुरू सुंदरखाल टू देहरादून, कुमाऊं टू गढ़वाल है, कुमाऊं टू गढ़वाल, शुभ जर्नी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों हम लोग सुंदरखाल से अब रवाना हो गए हैं और बने रहिए आप हमारे साथ बस ऐसे ही। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अभी सुंदरखाल बैंड पे, 1 किलोमीटर तो होगा सुशील भाई है ना? डेढ़ 2 किलोमीटर है हमारे सुंदरखाल स्टैंड से ये बैंड। तो ये देखिए दोस्तों नज़ारे देखिए आप, आनंद लीजिए हमारे साथ, सामने
छोटे छोटे गांव और रोड की तो सुशील भाई हालत खराब है। रोड की हालत खराब बारिशों की वजह से है ना, बारिशों की वजह से जगह जगह रोड खराब है, जगह रोड खराब है। सामने आप देख सकते हैं कि पूरे चीड़ है। तो नीचे दोस्तों हम लोग अभी पहुंच चुके हैं बहुत ही बेहतरीन स्पॉट पे, जहाँ पे हम लोग करने वाले अपनी गाड़ी की वॉशिंग। नैनीताल से 10 किलोमीटर पहले ये जगह पड़ती है और आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पर पानी आता है। तो अपनी गाड़ी यहाँ पर आप रोड पे धो सकते हैं क्योंकि काफ़ी चौड़ी रोड है, दूसरी गाड़ियों को डिस्टर्ब भी नहीं होता है। कहाँ कहाँ रहे हैं हम लोग, वो सुंदरकाल से हम लोग अभी जा रहे हैं पहले हल्द्वानी और हल्द्वानी से जाएंगे देहरादून सुशील भाई, और हमें ड्रॉप कर देंगे देहरादून से जस्ट थोड़ा सा पहले, मैं निकल जाऊँगा ऋषिकेश के लिए। तो बस आप बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में, आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों अपना नंबर आ गया है और ये बाल्टी हमने सामने से ले ली है, वहाँ से टाइम लिप्स लगा देते हैं ताकि आप भी देख पाओ और इन्जॉय कर पाओ। तो फाइनली दोस्तों अपनी चम्मच चलो धुल चुकी है, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि पहले में और अब में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको। हमें तो बहुत ज़्यादा साफ दिखाई दे रही है, आप भी ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है। और ये बाल्टी जो हमें उन अंकल ने दी थी जहाँ पे चेक पोस्ट वाले अंकल हैं, उनको वापस दे आते हैं और धन्यवाद बोलाते हैं। उस जूते हमने पहले ही खोल दिए थे। सुशील भाई ठीक धुल गई? हाँ बाबा भाई एकदम ऐसे बढ़िया हो गई एकदम इस तरफ से। तो चलिए पहले हम ये बाल्टी दे आते हैं। हाँ हाँ धन्यवाद बुबू धन्यवाद। ये कैमरा है क्या? ये कैमरा है छोटा बुबू। अच्छा अच्छा, यहाँ कहाँ से आए? अभी सुंदरखाल से। नहीं नहीं, यहाँ कहाँ? देहरादून से। हाँ देहरादून से। अच्छा सुंदरखाल घूमने गए थे? हाँ सुंदरखाल, वहीं होम स्टे है दोस्त का एक। अच्छा अच्छा, उसमें गए? हाँ उसी में थे एक आध महीने से। देहरादून? हाँ घर देहरादून का। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा भाई साहब, ये फोटो कहाँ जाती है? ये यूट्यूब पे जाएगा, फेसबुक पे जाएगा। अच्छा हाँ, यूट्यूब में ये कौन से चैनल में आता है? देसी ट्रैवलर है। देसी ट्रैवलर। अच्छा, ये जैसे हमारे यहाँ केबल वाले हैं इनमें नहीं आता है? इसमें नहीं, मोबाइल में आ जाएगा लेकिन। अच्छा मोबाइल जिसके बाद टच वाला हो। हाँ हाँ। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई साहब, हर साल आते रहते हैं? हाँ हर साल, हर साल आते रहते हैं। अच्छा, हर 5-6 महीने के बाद आते रहते हैं। अच्छा हाँ। चलो आपका शुभ नाम क्या बाबू? आपको कैलाशन पांडे। अच्छा कैलाशन पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है जी, ओके जी। तो देखिए कितने मदद के लिए लोग तैयार रहते हैं, उसके लिए आपका नेचर भी वैसा ही रहना चाहिए, हमेशा प्रेजेंट रहो हर किसी के लिए। सुशील बाबा देखिए लगे हुए हैं एकदम फुल पावर चमकाने में अपने चमक छल्लों को। गाड़ी को साफ करना बहुत ज़रूरी है। बस बने रहिए आप हमारे साथ ऐसे ही। तो दोस्तों अपनी गाड़ी धुल चुकी है और हम अब रेडी हैं चलने को। चला चलो चलो चलो। तो लीजिए दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अभी भीमताल, तालों की ताल भीमताल। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी, और लाइक हल्द्वानी से 5-7 किलोमीटर पहले ही है, बट ये जो व्यू है यहाँ का बहुत ही शानदार। फाइनली लगभग 2 महीनों के बाद में वापस सिटी में आ रहे हैं, तो देखते हैं कि कैसा लगता है। बस बने रहिए आप हमारे साथ। तो दोस्तों टाइम हो रहा है शाम के 6:20 और सामने सनसेट हो रहा था, इसलिए हमने लगा दिया टाइम लैप्स, और आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए सुंदर से व्यू का जो अभी हो रहा है। मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका यूट्यूब और फेसबुक के हमारे चैनल देसी ट्रैवलर पे। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कल हम सुंदरखाल से रवाना हुए थे, और फिर कल हमें यहाँ मुझे यहाँ पहुँचते पहुँचते रात के 12 बज गए थे, क्योंकि सुशील भाई ने हमें नेपाली फार्म तक ड्रॉप किया और हमें और सुशील भाई गाड़ी में साथ में आए थे। तो नेपाली फार्म यहाँ से ऋषिकेश से लगभग 6-7 किलोमीटर है, तो वहाँ से डायरेक्ट रोड हो जाती है देहरादून के लिए। तो सुशील भाई वहाँ से निकल गए देहरादून और मैं आया ऋषिकेश, मेरे को पहले वहाँ ऑटो वाले ने ड्रॉप किया। वहाँ विशाल भाई हैं जो इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं, वो मुझे लेने के लिए आए जानकी सेतु से। और ये जो अपना रूम है, ये रूम ले रखा है हमने, और बाकी क्या एक्टिविटी होने वाली ऋषिकेश में वो आपको जानने के लिए हमारे व्लॉग में बने रहना होगा। आपसे मिलना होगा एक नए व्लॉग में, उस व्लॉग में आपको बताने वाले हैं कि ऋषिकेश में हम क्या करने वाले हैं, और ऋषिकेश में आप क्या कर सकते हैं और कहाँ पर रुक सकते हैं, सभी तरीके की चीज़ें और कैसा यहाँ का मौसम है, ये सभी चीज़ें आपको आने वाले व्लॉग में मिलेगी। तब तक आप अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए और देसी ट्रैवलर को यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।